अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ शाइस्ता रजा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एफसी बलोचिस्तान ने दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। आईएसपीआर के मुताबिक किला अब्दुल्ला के इलाके स्पेन तेजा में गाड़ी से 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई, दो मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कौमी असेंबली का इजलास कल सुपहर 3 बजे तलब कर रखा है, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। नए वजीर आजम की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर, एमकेएम पाकिस्तान की किशोर जहरा और जमात इस्लामी के साहबजादा तारिक उल्लाह मैदान में हैं। नवाज शरीफ की वजीर आजम की तकरीब हल बरदारी में शिरकत का इम्कान। जराए के मुताबिक सदर मुमलिकत ममनून हुसैन मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लेंगे। तकरीब हल बरदारी में सिफारतकार, आला अदलिया के जजेस, अस्करी हुकाम शरीक होंगे। हमें तदब्बुर से काम लेना है, मुल्क को बहरानों की तरफ जाने नहीं देना है। फजल रहमान कहते हैं कि आलमी सतह पर ग्रेट गेम का एजेंडा तरक्की पजीर और मुस्लिम दुनिया को गैर मुस्तहकम करना है। नियाजी साहब की अपनी सफों पे कर्जे हड़प करने वाले शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि कब्जा माफिया को दाएं बाएं खड़ा करके एहतसाब की बातें करना कौम से मजाक है। तीस साल सियासी जिंदगी में मुतादद वजारतों का सरबरा रहा। चौधरी निसार कहते हैं कि हालिया मुद्दत सारे सियासी करियर की मुश्किल मुद्दत थी। अंदरूनी सिक्योरिटी अमन आमा को बरकरार रखना बड़े चैलेंजेस थे। बिजली फरामी रुकने पर भी पाकिस्तान को कर्ज अदायगी करना होगी। शीरी रहमान कहती हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा सी पैक में शामिल हो चुका है। कासा मंसूबा सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोरियों का शिकार है। ऑपरेशन के बाद कराची का इमेज बेहतर हुआ है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की जेर एहतमाम नुमाइश से खिताब करते हुए वजीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नुमाइश में गैर मुल्कियों की शिरकत में इजाफा खुश आइंद है। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बुलंद अख्तर राणा को 6 माह कैद की सजा। जराए के मुताबिक साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के खिलाफ वफाकी तहकीकती इदारे ने कैनेडियन शरीयत छुपाने पर मुकदमा दर्ज किया था। एफआईए ने इन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया था। खसूसी टीम हज ऑपरेशन के इंतजाम की निगरानी कर रही है। तर्जमान पीआईए के मुताबिक टीम की सरबराही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नैयर हयात कर रहे हैं। आज खसूसी परवाजों से 8,200 से जायद आजमीन हज मदीना मुनवरा पहुंचे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। सरमायाकार सरगर्म, 100 इंडेक्स 47,030 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और दुनिया की आला मयार की खजूरें और सऊदी अरब की खास सौगात अजवा, अंबर, खलास, बरही और मरजोल की पैदावार अब पाकिस्तान में भी होगी। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।